नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -8 -6 -4 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। एस एन मतलब सम हमारे पास 70 हो तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन सीक्वेंस क्या है, -8 -6 -4 एंड सो ऑन, यह क्या है आपकी एपी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ए यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, फर्स्ट टर्म क्या है -8, डी क्या है 2, एस एन 70। फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन क्या हो जाएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब क्योंकि एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो एन ही रख देंगे यहाँ पे, एन बाई टू, टू ए की जगह -8 प्लस एन माइनस वन इन टू डी की जगह 2 है इक्वल टू 70। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एन इक्वल टू 14 आ जाएगा, एन इक्वल टू -5 आ जाएगा, लेकिन -5 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14 टर्म्स लेंगे सो दैट सम क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या फाइंड आउट करना है, ऑल नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है 100 से 1000 के बीच में, और जो क्या है 5 के मल्टीपल हों। अब देखो, नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 1000 क्या हो जाएंगे, 105, 110 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 995। और ये क्या हो जाएंगे, एपी सीरीज फॉर्म करेंगे आपके, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। ए हो जाएगा आपका 105, डी है कॉमन डिफरेंस 5, टी एंड एन एथ टर्म, क्योंकि अब हमें नहीं पता है कितनी टर्म्स हैं तो पहले हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब लास्ट टर्म एन एथ टर्म को हम क्या कर लेंगे, 995, तो ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी क्या हो जाएगा 995। यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दो आप, डी की वैल्यू पुट कर दो, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, एन क्या हो जाएगा 179। अब देखो, एस एन निकालेंगे सम, एन बाई टू ए प्लस एल, एन है हमारे पास 179 बाई टू, ए फर्स्ट टर्म 105 प्लस एल है 995, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका सम क्या आ जाएगा 98450। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फर्स्ट पार्ट है इसका एन माइनस वन बाई एन, एन माइनस टू बाई एन, एन माइनस थ्री बाई एन अप टू एन टर्म्स का। गिवन सीरीज आपकी ये है एन माइनस वन बाई एन, एन माइनस टू बाई एन, एन माइनस थ्री बाई एन एंड सो ऑन। ये क्या है, एक जीपी सीरीज। यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल के देख सकते हो, डी क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ निकाला हुआ भी है, ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी एन माइनस वन बाई एन, और डी क्या करेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल माइनस कर दो, तो माइनस वन बाई एन आपका डी आ जाएगा। अब एस एन फॉर्मूला क्या बताया था, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। यहाँ पे एन की जगह एन बाई टू, क्योंकि एन टर्म्स का ही निकालना है, टू ए की जगह पे ए क्या है आपका एन माइनस वन बाई एन, प्लस एन माइनस वन डी की जगह पे है आपका माइनस वन बाई एन। इसको सोल्व करेंगे तो एस एन क्या आ जाएगा, एन माइनस वन बाई टू।